सीधी बात है। अच्छा फिर मौसू बयान देता है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? कोई पाकिस्तान का सियासतदान ये बयान दे सकता है जो हमारा वजीर आजम देता है? कितना एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें वफाक को सूबों को पैसे देना पड़ते, अकल हैरान हो जाती है, अकल हैरान हो जाती है ये स्टेटमेंट सुन के। अब सर और दूर की बात छोड़े, अभी भाई ने कहा कि सिंध में ये नहीं वो नहीं, हमारे 8 जिलों में NICVD है जो मुफ्त दिल का इलाज करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 1 साल में 5,000 दिल के मुफ्त ऑपरेशन आपके पूरे मुल्क में। लिवर ट्रांसप्लांटेशन नहीं है, हमारे पास है। आपके पूरे मुल्क में इतने बड़े इमरजेंसी सेंटर्स, जिना और सिविल जैसे ट्रॉमा सेंटर्स पूरे मुल्क में, ऐसे एक दिखा दें आप, हमारा एक NICVD दिखा दें। अभी क्या हुआ सर, कुछ दो दिन पहले इनका एक नोटिफाइड मस्खरा है वो चला गया, सखर उतरा। सखर उतरने के बाद सखर में NICVD भी है, बोला उसको देखो, बोला नहीं नहीं वहां SCIT भी है, बोला इसको भी नहीं देखूंगा, मैं जैकबाबाद जाऊंगा। अच्छा भी जाओ, वो जैकबाबाद गया और बजाय जेम्स के जैकबाबाद इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के, वो ऐसी गलत इमारत में पहुंच गया जो कि अबेंडेंट हो चुकी है। अब वहां खड़ा होकर तस्वीरें खिंचवा रहा है। वो इंतजामिया पहुंची, उन्होंने कहा सर ये JMIS नहीं है, आइए आपको दिखाते हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट जिसको दुनिया तस्लीम करती है, जिसकी तस्वीर में आपके लिए लेकर आया हूं कि उस मस्खरे को नोटिफाई को दे दीजिएगा। वो वहां नहीं गया क्योंकि उसको पता था कि मुझे खफ्त उठाना पड़ेगा, मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो सर ऐसे लोगों को ना भेजें, ये रास्ते में कहीं गुम हो जाएंगे, फिर इल्जाम हम लोग पे आता है कि तुम लोग ले जाते हो इनको। अब ये बोलते हैं कि सिंध में बजट में, जनाब हमारा 12 खरब 40 अरब रुपए का बजट है, उसमें टिड्डी दिल पर 44 करोड़, जरात पर 15 करोड़, और इस नुकसान को देखते हुए 15 अरब, और इस नुकसान को देखते हुए कि नुकसान मजीद हो सकता है, 15 अरब की मजीद गुंजाइश है। सर हमने 10% हेल्थ का बजट इंक्रीज किया है, सर हमने तालीम का बजट इंक्रीज किया है, 244.5 था अब 212.4 था अब 244.5 है, और सर सबसे बढ़ के हमने 10% तनख्वाहें बढ़ाई है मुलाजमीन की। हिम्मत दिखाई है जो तुम लोग नहीं दिखा सके। अब आइए कोरोना। अच्छा आप कोरोना के लिए बयान दो ना, कराची में जो हमारा सेंटर है एक्सपो सेंटर में 1200 बेड का, वो लाहौर वाला का ऐसा क्वाडा वाला सेंटर नहीं, वो नस गए चुप के भाग गए जो नहीं, वहां सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी दोनों 1200 बेड का वो सेंटर चला रहे हैं। अब उसमें 200 बेड हाई डिपेंडेंसी के बनाए, कल इफ्तिता हुआ उसका। हम वो नहीं कि टेंट लपेट के भाग जाएं, एक ही दिन में 90 करोड़ का चूना लगा दें। आगे से आइए आपस में बातचीत ना करें, बिल्कुल। अब इमरजेंसी फंड आप देखिए, केपी के माशाल्लाह 56 अरब सर और दें, आजाद जम्मू कश्मीर 59 अरब सर और दीजिए, गिलगित बल्तिस्तान 35 अरब सर इनको और दें, सिंध 19 अरब। शर्म आनी चाहिए, ज्यादती है। अब खुद से जब कुछ नहीं बना, 7 साल में एक अस्पताल नहीं बना सके, हमारे स्पीकर को भी इस्लामाबाद में लाकर दाखिल कराया, तो अब बोलते हैं कि ये अस्पताल हम लेंगे, NICVD हमें चाहिए, NICH हमें चाहिए, और ये जिना हॉस्पिटल हमें चाहिए। मुफ्त का माल है, अरबों रुपए से कमाया बनाया है इसको, तुमसे खुद तो बनता नहीं, दूसरे का बिगाड़ने चले हो, चलता तुमसे एक छोटा सा दवाखाना नहीं, तुम NICVD चलाओगे, तुम JPMC चलाओगे, तुम NICH चलाओगे, और तुमसे ये असेंबली नहीं चलती, ये तो अपोजिशन चलवा रही है, तुमने करना क्या है?
अब फिर स्टील मिल, तो बहुत बड़ा मसला बनेगा। 12,000 एकड़ सिंध की जमीन है, शहीद भुट्टो का लगाया हुआ मंसूबा है। और पहले कहते क्या है पता सर, हाँ कि घर भी खाली करो। अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन कोई नहीं, नौकरी से किस तरह निकाल रहे हैं कुछ पता नहीं, बस खाली करो भाई। गोल्डन शेक एंड देना है तो दो तरफा मुआहदा होता है। आप कंपनसेशन क्या दे रहे हैं, आप क्या इंसेंटिव दे रहे हैं सर, घर भी खाली करा रहे हैं और एक ही झटके में 10,000 खानदानों को बेरोजगार कर रहे हैं। लावारिस समझाए, कोई हाथ तो लगाए उनके घरों को, कोई हाथ तो लगाए हमारी स्टील मिल को, लग पता जाना है फिर आ जाओ। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सर, खुदा की कसम मुझे रोजाना 4 से 8 फोन आते होंगे, ज्यादा नहीं बोलू। यार जुल्फी बुखारी को बोलो हमें यार वहां से टिकट थोड़ा सस्ता खांचा कम करा दो, उसको बोल के वो खांचा देने को भी तैयार है जुल्फी बुखारी को, लेकिन वो बोलते हैं थोड़ा कम करा दो। लाइन लगे लाइन में आगे करा दो जुल्फी बुखारी को बोल के, मैयतों की लाइन भी आगे पीछे हो रही है जुल्फी बुखारी की वजह से। सर कोई शर्म, कोई शर्म होती है। 7,000, बड़ा अहम नुक्ता बोलने जा रहा हूं, 7,000 आपने कहा ना 45,000 बैरून मुल्क पाकिस्तानी फंसे हुए। पोर्ट एंड शिपिंग का बना मिनिस्टर, 7,000 सी फेरर, उनका आज तक कोई पता नहीं है वो कहां है। आपको नई बात बता रहा हूं, जो सीमेन है हमारे वो किन शिपों में है, वो किस जगह फंसे हुए हैं। 7,000 सी फेरर पाकिस्तान के, मिनिस्ट्री पोर्ट एंड शिपिंग को हवा ही नहीं है, पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। एनएफसी में 230 अरब रुपए कम देना चाहते हो,